हाय, आज हम बनाएंगे होममेड क्रीम। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले एक उबाल के लिए दूध को उबाल कर रख लेंगे, रूम टेम्परेचर आने देंगे और जो ऊपर से मलाई का पर जो जमता है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मलाई चाहिए तो आप इसको फ्रिज में रख लीजिए 1 या 2 घंटे के लिए, तो ज़्यादा मलाई जम जाएगा। इस तरह से हम मलाई को निकालेंगे और इस तरह से स्टोर करते जाएंगे। हाफ लीटर दूध के लिए नॉर्मल वाला मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, 2 या 3 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं आता। अगर आपको क्रीम जल्दी बनाना है, ज़्यादा चाहिए, तो आप फुल फैट वाला क्रीम भी ले सकते हैं। इस तरह फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, जमा कर 1 वीक या 10 डेज़ के लिए आप जमा कर रख सकते हैं। उसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर हैंड ब्लेंडर है तो ठीक है, नहीं तो आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, 1 कप दूध के लिए मैं 1/4 कप मिल्क, सॉरी 1 कप मलाई के लिए 1/4 कप दूध ले रही हूँ। ये थोड़ा सा दाग लगा हुआ है नीचे से, कोई बात नहीं, मैं इसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसका फाइन पेस्ट आने तक ब्लेंड कर लेंगे। 1 मिनट के बाद देखिए किस तरह से थिक क्रीम बनकर रेडी हो गया। अगर आपको और भी थिक चाहिए तो दूध का इस्तेमाल कम कीजिए। मैंने यहाँ पर 1/4 कप डाला था, आप और भी कम डालकर इसको ब्लेंड कर लीजिए और क्रीम बना लीजिए। बन गया हमारा होममेड क्रीम। आप इसको कोई भी वेज या नॉन वेज, डेजर्ट, स्वीट्स, किसी में भी आप अपने पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र में रख लीजिए ब्लेंड करने के बाद इस तरह, तो 20 डेज़ तक ये आराम से फ्रेश रहेगा। जब भी चाहिए थोड़ा सा निकालिए और यूज़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल कॉमेंट्स। बाय।